नमस्ते साहब। नमस्ते। वो सामने क्या हो रहा है? नए घोड़े को ट्रेन कर रहे हैं। ओह, अभी देखता हूँ। जावा नजीरा, जाओ तू। जा काबू नहीं आता है, बैठने नहीं देता। ये वही घोड़ा जो कल आया क्या? वही घोड़ा है। निकालो बागडोर, हम बैठेंगे इस पे। नहीं हुजूर, क्या करते हैं आप? कितना खतरनाक घोड़ा है, अभी उसने नजीर को गिरा दिया। वो घोड़ा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो महाराज सिंह को अपनी पीठ से गिरा दे। निकालो बागडोर, हम बैठेंगे। छोटा सा घोड़ा लाके दो। अच्छा मेन साहब। हाँ हाँ, चलो मेरे शेठ, चलो चलो शेठ, ये छोटे सरकार का छोटा सा घोड़ा। आ जाओ जाओ। शाबाश मेरे शेर, यूं ही चौकड़ी भरते रहना, इसे एक दिन डर भी जीतना है। रुक्मणी, देखा मैंने घोड़े को कैसे काबू किया। चिंपू का ये गुनी डूम डूम डूम, ये मारेगा हम ठीक ठीक मार दे रहा हूँ। उतर जाओ, थक गया रे बाबा, घोड़ा थक गया। चिंपू बाबा, बड़ा होने के बाद अपने इस घोड़े को नहीं भूलना। हाँ, अपना दाना पानी तो तुम्हीं से चलता है। चिंपू बाबा, एक एक पपी दो, अपने को पपी दो, दे दो दे। चलो बाल खेलेंगे, बाल मारो मारो मारो। आए मामा। अरे हाले आज मेरे राजा, आज आज क्या है? मम्मी का है ना, अभी तो सोएंगे ना, सो जाएंगे, फिर अच्छे अच्छे सपने देखेंगे, परियां आएंगी। शेम शेम शेम। ए रामू, इधर आ जा। जी सरकार। ये देखा देखा, ये निशान देखा तूने? ये निशान देखा? बड़ा ही भाग्यवान निशान है, बड़ा भाग्यवान निशान है ये। ये शिव जी का त्रिशूल है। हनुमंत जी शपथ, ऐसा निशान दुनिया में और किसी के बदन पे नहीं रहेगा सरकार। मेरे बेटे को नजर न लगा। इतने अच्छे प्यारे बेटे को उसकी बाप की नजर लग सकती है भला? नजर तो हमारी उतारो, क्या तंदुरुस्ती पाई है। सी यू, गुड नाइट। गुड नाइट। ओहो, मेरा बेटा सोएगा। हाय स्वीटी, चिंपू सो गया? हाँ सो गया। ओ लवली, क्यों फार्म पे जा रहे हो? तुम्हें नींद आ जाए तो सो जाना। ये क्या आदत बना रखी है, फार्म पे इतने नौकर हैं वो देख लेंगे, तो रोजाना क्यों जाते हो? मेरी जान, अगर मालिक होशियार ना रहे तो नौकर सुस्त हो जाते। जल्दी आऊंगा। ओके।
रही है बाबा। हरामजादो, ड्यूटी पे सो जाते तुम लोग। हैं, वो क्या? सॉरी सर। सॉरी माय आई। किसने किया? ये किसने किया? ये महाराज सिंह के गोली से मारा गया सरदार। महाराज सिंह। वाह साहब, वाह वाह, क्या निशाना है आपका। वाह साहब वाह। अरे रामू, अभी तक वो बंदूक नहीं बनी जिस पे हमारा निशाना चूक जाए। हाँ साहब। अरे बेटे। हाँ पापा। तू चला है? ये ले वो बोतल कर दे, बोतल की तरफ दे, एक आंख बंद करके अब उंगली दबा। पपीते 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 की। रुक्मिणी देखा, गोली की आवाज सुनकर भी बेटा नहीं डरा। बहादुर बाप का बहादुर बेटा, ये जरा बड़ा हो जाए सारी दुनिया एक तरफ, बेटा और बाप एक तरफ होंगे, बस उसी दिन का इंतजार है। हाँ हाँ, जिस तरह तुम जंगली हो ना, उसे भी जंगली बनाना। अरे रुक्मिणी, जंगली तेरे काम आता है। मैं जरा बैंक होकर आया। बाय बेटे। मालकिन, छोटे सरकार ने आज पहली बार गोली चलाई है, नजर नहीं उतारोगी? चिंपू बाबा। चिंपू बेटा। आज हमारा चिंपू 3 साल का हो गया। मालकिन, आज तो 3 तोले सोने से चिंपू बाबा की नजर उतार दी। मेरी नजर हमेशा पैसे पे होती है। ये हिम्मत है जो मेरे लल्ले को हाथ भी लगा। हैप्पी बर्थडे टू चिंपू, हैप्पी बर्थडे टू चिंपू, हैप्पी बर्थडे टू चिंपू, हैप्पी बर्थडे। का कुछ पता चला? बहुत कोशिश की, अखबार में छिपवाया, पुलिस को इत्तला दी, बहुत ढूंढा, बहुत तलाश की, लेकिन वो नहीं मिला। तुमने मेरे बेटे की नजर नहीं उतारी, ये उसी की सजा है। एक छोटी सी भूल की इतनी बड़ी सजा दे दी तूने। भगवान,
जाए तेरा जमीन। मैंने तो सबर कर लिया था, लेकिन तेरे घाव नहीं भरे। रुक्मिणी, रुक्मिणी भूल जा उसे। 20 साल हो गए, अगर बेटा जिंदा होता तो अब तक आ नहीं जाता। नहीं नहीं, मेरा दिल कहता है वो जिंदा है, वो जहां भी रहे सलामत रहे, खुश रहे, 100 साल जिए, मेरी भी उम्र से लग जाए। उम्र तो मैं भी उसे अपनी दे दूं रुक्मिणी, लेकिन वो जिंदा हो तो ना, और अगर जिंदा है भी तो भगवान जाने कहाँ है। जिंदगी हंसने गाने के लिए है, पल दो पल उसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। बादल, जेलर साहब ने बुलाया। अरे भाई, जेलर साहब को और कोई काम नहीं, जो सुबह सुबह मजा किरकिरा कर दिया। अरे चल चल, जल्दी उठ, बातें मत बना। अच्छा बाबा, चलता हूँ, चिल्लाता क्यों है? दीरी 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 दीरी। सलाम साहब। सलाम, कहो कैसे हो? जी जैसा आपने रखा है वैसा हूँ। सुनो बादल। बादल? कौन बादल साहब? क्यों, अपना नाम भूल गए? मैं नहीं भूला साहब, आप भूल गए। 312, मेरा नाम 312 है। वो नाम आज तक था, आज के बाद नहीं रहा।
खुश हो जाओ, आज हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। किस खुशी में साहब? मेरा मतलब है, अभी तो मेरी सजा पूरी नहीं हुई। आज हिंदुस्तान की आजादी की सालगिरह का दिन, उस खुशी में बहुत से कैदी छोड़े गए हैं, उनमें तुम भी। बहुत बहुत मेहरबानी सरकार, वजीर आला अर्थात प्रधानमंत्री को हमारा थैंक यू बोलिएगा। तुम्हारी ये आदत मुझे पसंद है, हर हाल में हंस लेते। दो बार पहले भी जेल काट चुके हो, लेकिन तुम्हारी तबीयत नहीं बदली। तबीयत तो औरतों की बदलती है माई बाप, हम मर्दों का तो एक ही रंग होता है। वैसे मेरा एक ही उसूल है कि जिंदगी के ये दो पल हंसते गाते बीतने चाहिए, चाहे जेल के अंदर हो चाहे बाहर। वेरी गुड, वेरी गुड। यादव, बादल के जो कपड़े और सामान है उसको दे। यस सर। अच्छा तो जेलर साहब चलते हैं, फिर मिलेंगे। सुनो बादल जी, अभी हम बता, अगर तीसरी बार पकड़े गए तो बहुत लंबे जाओगे। तुम एक अच्छे आदमी हो, ये बुरे धंधों में क्यों पड़ गए? अब के ईमानदारी की रोटी खाना। सरकार आपकी बात सर आंखों पर, लेकिन आजकल ईमानदारी की रोटी कौन खाता है? ईमानदारी तो दरअसल आउट ऑफ फैशन हो गई सर। अच्छा सर, सलाम, ऑल द बेस्ट। सलाम साहब। लेकिन हवालदार साहब, कल तो तुमने कहा था कि 200-300 में तुम्हारा काम हो जाएगा। अरे अकल के अंधे, 200 और 300 जोड़ कितने हुए? 200 और 300 हुए ना, 500। हाँ हुए। हाँ तो मैं भी तो 500 कह रहा हूँ। अरे यार, तू तो बिल्कुल काट का उल्लू है। देख, 200 किसी और का हिस्सा है और 300 किसी और के। अरे आजकल संसार में काम चलाना हो तो ऐसा ही करना पड़ता है। पैसे लाया? हाँ लाया। निकाल जल्दी से, जल्दी निकाल यार। अल्लाह, जल्दी निकाल यार। अल्लाह इधर ला। ये काला धंधा भी अजीब चीज है, साला आदमी माल दबा कर रख लेता है। कितने जूने नोट है, कब से दबा के रखे थे? नमस्कार हवलदार साहब। नमस्कार। ए तू जा, मैं अभी आता हूँ। अरे बादल, तू कैसे? सरकार ने तंग आके छोड़ दिया हवलदार साहब, खाना बहुत खाता था ना, अनाज हो गया है महंगा, अब क्या करें। लेकिन अब की कोई गलती मत करना, नहीं तो लंबे जाएगा। अरे हुजूर, लंबे आदमियों के तो लंबे काम होते ही है कि नहीं? जा रहे हैं आप? सुनिए, अरे वो क्या है, अंदर बैठे बैठे मैंने एक चीज लिखी थी कि पत्ता टूटा डाल से ले गई पवन उड़ाए, ले गई अब के बिछड़े कब मिलेंगे, दूर पड़ेंगे जाए। अरे गले तो मिलते जाइए। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कैसे रहे सब? ठीक ठाक? अरे मैं तो ठीक हूँ काका। बैठो बैठो काका, बैठ जाओ। ये लो, बस्ती के सब लोगों में बराबरी से बांट देना। ये रुपए तू लाया कहाँ से? तू तो अंदर था बैठे। दुनिया का चक्कर ही ऐसा है काका, जो लोग बाहर होते हैं वो अंदर चले जाते हैं और जो लोग अंदर होते हैं वो बाहर चले जाते हैं, बस इसी में अपना हेर फेर हो जाता है। तू ये हेर फेर हमारे लिए करता, हमें अच्छा नहीं लगता बेटे। अब अच्छा क्या है बुरा क्या है काका, इसका मुझे कोई ध्यान नहीं। देखो, रेस कोर्स में नौकरी करता था, वहाँ बेईमानी की किसी दूसरे ने, रख दिया हमारे सर पे नौकरी से, उन्होंने मुझे निकाल दिया। किस काम आई ईमानदारी? अरे आदमी तो इतनी हरामी चीज है काका कि घोड़े तक को बेईमान बना देता है। काका, हमने तो अपनी छोटी सी जिंदगी में बस इतना ही सीखा है कि जो पेट के अंदर गया वो अपना है, जो बाहर गया वो बाहर रहा, उसकी परवाह ही नहीं करनी चाहिए। जिंदगी तो पल दो पल की होती है, अरे लंगोटी में फांक खेलो और मौज उड़ाओ। हाँ के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं, खोके रोना नहीं। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल।
तू आदमी है अवतार नहीं, जो हो देश वो भेष बना प्यारे, चले जैसे भी काम चला प्यारे, प्यारे तू गम न कर जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल। जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, जहाँ सच न चले वहाँ झूठ सही, जहाँ हक न मिले वहाँ लूट सही, यहाँ चोर है सब कोई साध नहीं, सुख ढूंढ ले सुख अपराध नहीं, प्यारे तू गम न कर जिंदगी, हंसने गाने के लिए है पल दो पल, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं, जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल जिंदगी। अरे हम मर्दों का खेल है। क्या साहब? क्या दिए? 1 के 20। आप 1 रुपया दीजिए, ये 12 गोलियां लो और उसमें के 6 गोले उड़ा दो। आप 6 गोले उड़ा दो, हम 1 के 20 देंगे। मंजूर है? बंदूक ला। वाह, ये मर्द कोई आ गया। पकड़ो बंदूक। इसी बंदूक से उड़ाना है? नहीं तो क्या तोप ला के दो? नहीं तोप तो नहीं, फिलहाल इसी से काम चल जाएगा, लेकिन अगर आप बुरा ना माने तो जरा मैं इसकी मक्खी ठीक कर लूं। वाह वाह वाह, क्या निशाना है। वाह, अभी वो बंदूक ही नहीं बनी जिससे हमारा निशाना चूक गया। वाह साहब वाह वाह, क्या निशाना है आपका। वाह साहब वाह। अरे रामू, अभी तक वो बंदूक नहीं बनी जिस पे हमारा निशाना चुक जाए। कहाँ हो भाई साहब? 20 रुपए। ओह भैया, तुमने तो अपना कुंडा कर दिया है। ये 10, ये हुए 15 और ये 30। क्यों बादल, जेल से कब आ रहा है? सरकार बस यूं समझिए आज ही निकला। मेले में अगर कोई पैकेट मारा गया याद रखना बंद कर दूंगा। अब सरकार आपसे क्या बताऊं, ना ही दुकानदार कमा खाए ना ही चोर पकड़ा जाए। वैसे अगर आप चाहते हैं रुपए रख सकते हैं, क्योंकि ये चोरी की कमाई नहीं। ओह आई एम सॉरी। थैंक यू सर। सरकार एक बात और कहनी थी, आज के बाद मैं ईमानदारी का धंधा शुरू कर रहा हूँ। वेरी गुड। थैंक यू सर। इंस्पेक्टर साहब, आपका बटुआ, मेरी ईमानदारी का पहला सबूत। बड़े सुअर हो। बड़े तो आप हैं सरकार। ये भी काम करते हो? काम तो जो मिले कर लेते। हनुमंता जी कसम, गुरु हो गुरु। कुछ हमारा भी काम करोगे? माल मिलेगा तो कोई काम भी कर लेंगे। हाँ तो चलो अंदर चलो। हाँ हाँ चलो। हाँ पहले ये बताओ, कुछ घोड़े की सवारी का भी
शौक है? शौक? हाँ। धंधा है साहब, धंधा। हाँ। माँ की गोद के बाद घोड़े की पीठ ही तो देखिए। हनुमंता जी कसम, बात तो बहुत बड़ी करते हो, लेकिन घोड़े की पीठ से गिर तो नहीं जाओगे? वो घोड़ा अभी पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा सके। घोड़ा अभी तक पैदा नहीं हुआ जो महाराज सिंह को अपनी पीठ से गिरा दे। वही लफ्ज कहीं खून तो नहीं बोल रहा है? कमीज क्यों फाड़ते हो भाई, मुंह से बात करो। बड़े ही बदनसीब हो, लखपति होते होते रह गए, अभी पतलून फाड़ के कहोगे करोड़पति होते होते रह गए। ये कौन सा तरीका अमीर बनने का? दरअसल बात यह है गुरु, 20 साल पहले मैं महाराज सिंह के वहाँ नौकर था, करोड़पति पार्टी है, करोड़पति। उनका एक बेटा था चिंपू नाम का, कोई हरामी उसे उठा कर ले गया, अभी तक वो बेटा उन्हें नहीं मिला। उसके बदन पर एक निशान था गुरु, तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि तुम ही वो बेटे हो महाराज सिंह के। यार तुम अमीर माँ बाप से टांका जोड़ रहे हो, यहाँ गरीब माँ बाप नसीब नहीं हुए अभी तक। अब मिल जाएंगे। कैसे? सुनो, महाराज सिंह अभी तक अपने बेटे को नहीं भूले, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनका बेटा बना सकता हूँ। क्या मजाक है यार, कोई किसी को अपना बेटा कैसे मान लेगा? वो मेरा काम है। मगर कैसे? बताता हूँ, तुम में कुछ बातें बिल्कुल वही हैं जो महाराज सिंह में है। घुड़सवारी करते हो, बंदूक भी वैसे ही चलाते हो, सिर्फ फर्क इतना है कि उस बच्चे के बदन पर एक निशान था। निशान? हाँ, निशान यहां पर, जिसके बारे में या तो महाराज सिंह और उनकी पत्नी जानती है या मैं जानता हूं। मैं तुम्हारे बदन पर बिल्कुल वैसा ही निशान बना दूंगा और उसके बाद तुम लाखों के मालिक बन जाओगे, लाखों के। मंजूर हो तो आधा हिस्सा मेरा। मुफ्त का माल मिल रहा है तो आधा आधा करने में मुझे क्यों तकलीफ होगी? लेकिन ये निशान कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? वो तो मेरा काम है, मेरा। वाह वाह, बराबर ऐसा ही था। वाह, चलो लो मामो, ये 5 रुपए लो, खुश हो? जी हाँ साहब। चलो लो, तुम्हें लखपति बना दिया, इस निशान को लेके जाओ और महाराज सिंह के फार्म के मालिक बन जाओ। हनुमंता जी कसम, अपना हिस्सा मत भूलना। कभी नहीं भूलूंगा यारों का यार। और साथ साथ ये भी मत भूलो जो महाराज सिंह और उसके बेटे के बारे में मैंने तुम्हें बताया है। हाँ हाँ, वो भी नहीं भूलूंगा। मेरे पास एक लकड़ी का घोड़ा था, एक चंदन का पलना, माँ का नाम रुक्मणी, बाप की लाखों की जायदाद, स्टड फार्म है, ढेर सारे घोड़े हैं, और इसके अलावा ही कुछ जानो? और ये कि माँ और बाप 20 साल से बेटे की वापसी की राह देख रहे हैं। चलो बेटा आ गया। भाई साहब क्या काम है? ये महाराज सिंह के फार्म पर कौन सी सड़क जाती है? ई रास्ता देखता है? हाँ देखते है। वो भी रास्ता देखता है? हाँ, क्या ये दोनों रास्ते वहीं जाते हैं? नहीं, मतलब ये है, ये दोनों रास्ते नहीं जावत है। तो फिर कौन सा रास्ता जावत है? जोन रास्ते पर खड़े हो वही रास्ता जावत है। वाह सरकार, बड़ी उस्तादी दिखाई आपने रास्ता बताया। हमारा काम ही है भूलने को बुलाना, एक बीड़ी तो देते जाओ। पान की दुकान समझ रखी क्या? पान की दुकान? मुझे पान की दुकान लो, सुबह सवेरे खाम खाम मिल गया। ये Oh, 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 oh.
के ढेर हैं, साए घनेर हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेर हैं, साए घनेर हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। कहीं भी के ढेर हैं, साए घनेर हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा बस जीला सा यार मिले तो रुक जाए। चले हैं दूर हम दीवाने, कोई रसीला सा बस जीला सा यार मिले तो रुक जाए। यार मिले तो रुक जाए। फूलों के ढेर हैं, साए घनेर हैं, झूम रही है हवाएं। ऐसे नजारों में खिलती बहारों में प्यार मिले तो रुक जाए। ए प्यार मिले तो रुक जाए, ओ प्यार मिले तो रुक जाए। कितना प्यारा ख्याल है, प्यार मिले तो रुक जाए। अरे तरन्नुम के बादशाह, हम लोगों में कोई पसंद है तो यही रुक जाओ ना। महाशय कोई पसंद आई क्या? लड़की यार थोबड़ा अंदर मतलब मुखड़ा एक से एक धातु है, कोई ना कोई तो जरूर पसंद आएगा। पसंद का तो ऐसा है श्रीमान कि ना कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे और हाँ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगे। नहीं मानेंगे, बस आप रुक जाइए। लीजिए रुक गए, हुक्म कीजिए। एक और गाना सुना दीजिए प्लीज। ये बात है ना यारे, कॉल करते हैं आप तो जरा सूरज को देखिए, सर पे आ चुका है। खाना खाने का वक्त हो गया, खाली पेट भी कोई गाना गाता? अरे गुरु खाना बहुत है, खाना बहुत है, अभी इंतजाम करते हैं। खाना कमल कमल शुरू कीजिए आप लोग, बहुत जोर की भूख लगी मुझे। ये लीजिए बिरयानी। एक्सक्यूज मी मिस्टर कलाकार, आपका नाम क्या है? बादल। बादल आसमान से जमीन पर कैसे उतर आए? आप लोगों के दर्शन करने चला है। अच्छा आप लोग खाना नहीं खाएंगे? जी कुछ बचेगा वो खाएंगे ना। जी हाँ जी। कमाल है, आप लोगों ने मुझे इतना पेटू समझ रखा है। ये लीजिए, ये देखिए इसके टुकड़े कर लेते हैं। थोड़े चावल देना। लेना यार, एक ग्लास पानी ले यार। थैंक यू। दर्जनों एक बात बता, आप लोग सब यहाँ जंगल में पड़े पड़े क्या कर रहे हैं? माँ बाप ने घर से निकाल दिया क्या? ये बात नहीं, ये बात नहीं, हम लोग सब कॉलेज स्टूडेंट हैं और सोशल वर्कर भी हैं। इस जंगल को काट कर सड़कें बना रहे हैं, हमारा हॉस्टल इधर ही बाजू में, इधर ही। अच्छा और आप क्या करते हैं? जी
मैं भी इस तरह का सोशल वर्क करता हूँ, लेकिन दूसरे टाइप का। गिटार बजाता हूँ, गाना गाता हूँ, और आप जैसे लोग मिल जाए तो खाना खाता हूँ। खाना तो बहुत अच्छा था, दो दिन का कोटा पूरा हो गया मेरा। ओह ये लीजिए, आप सुनाइए गाना। कमाल करती हैं आप तुम्हें सब। अरे भरे पेट पे भी कोई गाना गाता है? देखा, ये हुई ना 420 की बात। इतनी 420 तो चलती है। नहीं चलती, हम स्टूडेंट लोगों के साथ नहीं चलती, हम घेराव कर देंगे। हाँ। चलो गाना पड़ेगा आपको। गाना गाना है ना? हाँ। गाना ना गाने को किसने कहा है? साहब, इस लड़के ने तो कमाल कर दिया, इस घोड़े पर काबू पा लिया, इस पर तो साहब ही सवारी कर सकते हैं सिर्फ। शाबाश, बहुत अच्छे सवार मालूम होते हो। इधर आसपास इतना अच्छा सवार सिवाय हमारे साहब के कोई नजर नहीं आता। आज तक कोई ऐसा घोड़ा पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा दे। वेरी गुड, क्या नाम है तुम्हारा? बादल। काम क्या करते हो? कुछ नहीं, नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए? हमारे फॉर्म पे काम करोगे? लगता मेरा नसीबा मुझे ठीक जगह ले आया है। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, करूंगा साहब, क्यों नहीं करूंगा। फाइन, लेकिन काम वफादारी से करना होगा। अगर आपको वफादारी चाहिए तो कुत्ते पालिए।
आदमी तो सोच समझ के ही काम करेगा, क्यों? अरे कैसे रहे यार। अरे यार तुम अभी तक जिंदा हो? क्यों, तुम क्या समझे थे? घोड़ा जिस तरह से तुम्हें लेकर भागा था उससे तो ऐसा लगता था कहीं फेंक देगा। अरे यार वो घोड़ा अभी पैदा नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा सके। अरे प्यारे ये तो बताओ कि फिर कैसे आना हुआ, क्या फिर भूख लगी है क्या? पेट साथ में है तो भूख भी लगेगी, लेकिन फिर कभी सही। बताओ वो मेरा गिटार किधर है? सास ठीक हाथों में हो तो तार खुद ब खुद बच जाते हैं। आपने मेरी जान बचाई, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने जो मेरे गिटार को एक नया जीवन दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस इलाके में नए हैं शायद? पहली बार तो हर जगह आदमी नया ही होता है। नहीं मेरा मतलब है मैंने आपको यहाँ कभी पहले देखा नहीं। इसका अफसोस तो मुझे होना चाहिए, मैं आपसे पहले नहीं मिला। कौन है आप? किसी के साथ हंसने बोलने के लिए क्या ये सब जानना जरूरी है? भी और नहीं भी। तो है से शुरू करते हैं। जब शुरू शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं, पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत। आपका गिट्टा मालूम नहीं आपका ला रहे हैं कि नहीं, लेकिन मैं आ रहा हूँ। मैं नहीं आ सकूंगी, कल हम लोग वापस हॉस्टल जा रहे हैं, हमारा काम यहाँ खत्म हो गया। लेकिन सुनिए 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 सुनिए, मैं जरूर आऊंगा। शुरू शुरू में पहचान होती है तो दोनों अजनबी होते हैं, फिर अजनबी पहचान वाले बन जाते हैं, पहचान पसंद में बदलती है, पसंद दोस्ती में, और दोस्ती मोहब्बत में। कमाल का आदमी है, पहली ही मुलाकात में मोहब्बत का नाम जुबान पर ले आया। दूसरी मुलाकात का क्या भरोसा, जिंदगी बड़ी छोटी होती है। कितनी छोटी है इस बात का तो हमारे पास कोई नाप नहीं। कितनी बड़ी होती है इसका भी तो कोई नाप नहीं। मेरा तो जिंदगी का एक ही उसूल है, जो बात जिस वक्त ज़बान पे आई कहते। हाँ लेकिन छुपाने में भी तो एक मजा है। छुपाते वो हैं जिनके दिलों में खोट। दिल किसने देखा है? हम देख लेते हैं। अच्छा तो जरा बताइए तो हमारे दिल में क्या है? बताओ। तुम्हारे दिल में तुमको मुझसे मोहब्बत हो गई। जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल। हेलो रुस्तम बेटा, एक बात करनी है तुमसे। मोहब्बत तो मैंने कर ली, लेकिन अगर कहीं असलियत का पता चल गया तो क्या होगा? खैर जो होना होगा होगा, अभी से क्यों गम करना है इसके बारे में। चल घूमने चलते हैं। बस तू मादल क्या हो रहा है? बस रुस्तम को शहर कहाँ ले जा रहा था। गुड, बाकी सब ठीक है ना? जी वेरी गुड। फोरमैन साहब, हाँ
ये अपने मालिक कौन है देखा नहीं, जरा सलाम दुआ करनी थी। जब फार्म पे आएंगे उन्हें भी सलाम कर लेना। क्यों, क्या वो फार्म पे नहीं आते? बात क्या है? उनकी बीवी बीमार है, उसकी देखभाल में रहते। अच्छा, बीवी बीमार है, क्या हुआ उन्हें? बच्चे का काम, एक ही लड़का था उसे को उठा कर दे। आज 20 साल हो गए लेकिन अभी तक नहीं मिले, बेचारी उसी दुख में घुरी जा रही है। अब कैसी हैं? पहले से तो आराम लगता है। बहन जी, आप इतना सोचा मत कीजिए, चला फिरा कीजिए, हंसिए बोलिए। 20 साल पुरानी बात याद करके तो टेंशन ही होगा, जो सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं। मैं भी तो उसे यही कहता हूँ डॉक्टर, लेकिन सुनती नहीं। भाई आखिर बेटा मेरा भी तो है, लेकिन मैं सह गया। और इसे देखो इसे डॉक्टर साहब, कोशिश तो बहुत करती हूँ मगर क्या करूँ, भूल नहीं पाती। मगर भूलना तो चाहिए। है, ब्लड प्रेशर अब तो कम है, आप वही गोलियां खाती रहिए और आराम करती। नेचुरल फोटो हम। यस, वेरी गुड। ओके, मैं डॉक्टर छोड़ जा रहा हूं। ठाकुर साहब, बहन जी के सामने मैंने कहना मुनासिब नहीं समझा, मगर उनका दिल दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है। अब अपना ही दिल मजबूत कहाँ है डॉक्टर, रुक्मणी का दिल रखने के लिए उसके आगे हिम्मत दिखाता हूँ, लेकिन सच पूछो तो अंदर से बिल्कुल टूट चुका हूँ। औलाद मर जाए तो बात दूसरी है, वक्त के साथ इंसान की जिंदगी में सब्र आ ही जाता है, लेकिन बेटा देखते देखते अपनी आंखों के सामने से गायब हो जाए, न सब्र रहता है न भूल जाने की शक्ति। डॉक्टर आज वो यहां होता तो मेरे बराबर का होता। बस 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 मेरे बच्चे, बात अरे उधर जाओ, अरे उधर से बोलो। ठहरिए, आप लोग पीछे हटिए। रुस्तम आजा, कम बोल, लड़की देखने चलेगा? नहीं, अबे तेरे लिए नहीं कह रहा था ब्रह्मचारी, अपने लिए कह रहा था। जिन लो, चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना जमीन मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। चले चलती रही।
चलती रहे जिंदगी। शायद मोहब्बत को इसीलिए अंधा कहते हैं। मैं अभी तक तुम्हारे बारे में कुछ जानती भी नहीं। अगर मैं कहूं कि मैं चोर हूं तो? वो तो तुम हो। नहीं, सच बताऊं? बताओ। इस वक्त एक जुआरी जिंदगी का बहुत बड़ा दाव खेलती है। नतीजा क्या होगा ये नहीं मालूम। दाव तो मैंने भी खेला है, इसीलिए तुम्हें अपने बारे में कुछ भी नहीं बताया। बताना भी मत, बस इसी तरह बहती चलो मेरे साथ। जिंदगी के इस गहरे समंदर में पार लग गए तो सफल हुए, डूब गए तो सफल हुए। सलाम साहब। मधु मधु, सब बच्चे जवान हो गए। बेटा तू एक दिन डर भी जीतेगा। लवली लवली, दे लुकिंग लवली। हे कम ऑन, लेट्स गो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काम कैसे हो रहा? सब ठीक है जी। बड़े पैटक में चले गए? जी हाँ। और सी गाड़ी आई थी सुबह? जी आ गई। देखें। वेरी गुड वेरी गुड। अरे उस घोड़ी की मालिश ठीक नहीं लगती, बिल्कुल ठीक नहीं लगती। और उसके बाल क्यों नहीं काटे? साहब वो डॉक्टर ने कहा दो दिन ठहर जाएगी। डॉक्टर भी कह रहा है ना खुद आपने बाल कटवाया ना घोड़ा। तेरे तेरे इसको वापस तबल में ले जाओ इसे। अरे ले जाओ। सिंडिकेट ने 10 लाख की ऑफर दी है। नमस्ते। सिर्फ 10 लाख सर? रुस्तम के लिए। गधे हैं गधे, समझते हैं मैं रुस्तम को बेच सकता हूँ? रुस्तम कहाँ है? बाहर गया साहब, अभी आ जाएगा। बाहर? कौन ले गया उसे? बादल ले गया साहब। बादल? बादल कौन है? एक नया लड़का रखा साहब। नया लड़का तुम्हारा बाप लगता है? मैं चैंपियन स्टालिन किसी हाथ कर दिया। बात यह साहब, रुस्तम छूट गया था। ये लड़का बादल ना होता जाने कहाँ चला जाता। वो तो अच्छा हो गया बादल ने उसे पकड़ लिया और काबू करके यहाँ ले आया। रुस्तम को काबू कर लिया? जी साहब काबू कर लिया। देखिए साहब किस अंदाज से आ रहा है। क्या स्टाइल है साहब। ये है वो लड़का बादल। बादल हमारे साहब, इनसे मिलो। कौन महाराज सिंह जी? सलाम साहब। खूब बहुत खूब, हम बहुत खुश हुए तुम्हारे से। रुस्तम को काबू कर लिया तुमने हैं? ये तो हमारी सभा किसी को बैठने नहीं देता, उठाकर फेंक देता। वो घोड़ा अभी पैदा ही नहीं हुआ जो अपनी पीठ से मुझे गिरा दे। कभी हमने भी जवानी में ऐसा कहा था? बहुत अच्छे, हम बहुत खुश हुए तुम्हारे जवाब से। वेरी गुड, ये लो इनाम रखो हमारी तरफ से। हमारे यहाँ बड़े कीमती घोड़े हैं, इनकी हिफाजत के लिए जितने अच्छे तुम सवार हो इतना ही अच्छा तुम्हें निशानेबाज भी होना चाहिए। निशाना कैसा है तुम्हारा है? बदतमीज, ये इज्जत की तूने मेरे दिए हुए इनाम की? आज छोड़ देता हूं, फिर कभी ऐसा किया खाल उधेड़ दूंगा, समझे?
हनुमंता जी कसम, तुमने तो सारा चक्कर ही उल्टा चला दिया। मैंने तुम्हें यहाँ भेजा था महाराज सिंह के दिल में जूतों समेत उतर जाओ, तुमने तो उस बुड्ढे का पारा ही ऊपर चढ़ा दिया। काम करने का अपना अपना तरीका होता है प्यारे। अरे मैंने सोचा था उसका पारा इतना बढ़ाऊंगा, गुस्से में आके वो मेरे कपड़े फाड़ देगा, ये निशान देख लेगा। लेकिन बात कुछ बनी नहीं। तो फिर निशान दिखाने की कोई दूसरी तरकीब सोचो। क्या करूं, सारे कपड़े खोल के उसके सामने नंगा खड़ा हो जाऊं, कहूं ये देखो मेरा निशान? तो फिर क्या करोगे? कुछ करता हूं। हनुमंता जी कसम, जो कुछ करना है वो जल्दी करो, यहां बहुत तड़की चालू है। हाँ ठीक है, चलो सम। चल बेटा, तू भी अपना कमाल दिखा दे आज। अपने शेर तैयार हैं। शेर सिंह, अगर मुझे घोड़ों में कुछ पहचान है तो ये कोल्ड डर्बी जरूर जीतेगा। हाँ, आप सोलह ने सही फरमाते हैं साहब। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बादल, इस घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? फर्स्ट क्लास कोल्ड है, है? मेरे ख्याल में तो ये घोड़ा खच्चर है सर। क्या खच्चर? या, खच्चर। तो मेरे घोड़े को खच्चर समझते हो? बादल, हम इस स्टड फार्म के मालिक हैं और हम समझते हैं कि। लेकिन मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा है सर कि आपको किस उल्लू के पट्टे ने स्टड फार्म का मालिक बना दिया। क्या बकते हो? इतना बिगड़ते क्यों है साहब? मैंने आपको कौन सी गाली दे दी? गाली के बच्चे, तुझे बात करने की तमीज नहीं, हरामजादे कुत्ते की औलाद। ए साहब, बाप को गाली नहीं देना, नहीं तो। नहीं तो क्या कर लेगा? और कोई होता तो मुंह तोड़ देता उसका। सुअर के बच्चे, कमीने जलील, मैं तेरी खाल उड़ाऊंगा, आज मैं तुझे चीर दूंगा। निशान देखा तुमने? ये बड़ा ही भाग्यवान निशान है, बड़ा भाग्यवान निशान है। ये शिवजी का त्रिशूल है। हनुमंत जी शब्द, ऐसा निशान दुनिया में और किसी के बदन पे नहीं रहेगा सर का। तू चला है? ये ले, वो बोतल दे, बोतल की तरह दे, एक आंख बंद करके अब उंगली दबा। ये निशान कैसा है? कुछ भी हो, आपको इससे क्या लेना? लड़के मुझे माफ कर दे, गुस्सा आ गया था। सच बता, ये निशान कैसा है? मुझे नहीं मालूम, बचपन से पैदाशी होगा। हाँ पैदाशी ही है, तू ठीक कहता है। तुझे अपने माँ बाप याद है? नहीं, मैं बचपन से अकेला हूँ। अकेला था नहीं, अकेला कर दिया गया। आप कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं है। तेरे सब है, एक माँ है जो तेरे गम में रो रो कर बीमार रहती है, तुझे याद कर करके तड़पती है। आपको ये सब कैसे मालूम? इसलिए मालूम है कि मैं तेरा बाप हूं। बाप? तेरा बाप। तू बचपन में खो गया था, तुझे कुछ याद नहीं होगा। आ, घर आ, सब याद हो जाएगा। चल घर चल, घर चल। आ मेरे साथ। ये 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 तेरा घर, ये तेरा घर। रुक्मिणी, 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 रुक्मिणी। अरे रुक्मिणी देख, तेरा चिंपू आया है। रुक्मिणी देख, तेरा चिंपू आया है। अरे देख, तेरा चिंपू आया है।
रुक बने, तेरा चिप्पू आ गया, चिप्पू आ गया, तेरी माँ दिन है बेटे, इससे मिलो।
ये है स्मिता तुम्हारी बहन। रुक्मिणी, ये देख, इसे कहते हैं भगवान की मेहर। आज 20 साल के बाद हमारा घर फिर से हरा भरा हो गया है। बहन भाई से मिल रही है। अरे देखती क्या है, चल चल लिपट जा भाई से। ओह गॉड, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। मोहब्बत फिर से उबल पड़ी है। तुम भी इसलिए आए जिसलिए मैं आया? मुझे क्या मालूम तुम किस लिए आए हो। मैं यहां एक लड़की से मिला था, उससे मोहब्बत की थी, उसी से मिलने आया। क्या उसे आना चाहिए अब यहां? क्यों नहीं आना चाहिए? वो लड़की जिससे तुम मिले थे एक ख्वाब थी, एक सपना थी। सपना टूट गया, सपने के साथ साथ वो लड़की भी इस जंगल के फैलाव में बिखर गई, खो गई। ये बात है तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? अपने खोए हुए भाई को लेने आई हूँ। तुम्हें यकीन है कि वो यहाँ है? इसका जवाब तुम अपने दिल से पूछो। स्मिता वो यहाँ नहीं है। इसका मतलब है तुम्हारी नींद अब तक टूटी नहीं। नींद तो टूट गई लेकिन अभी जागा नहीं, और ना ही जागना चाहता हूँ। मुझे विश्वास था भगवान कि मेरा बेटा जिंदा है। तूने मेरे विश्वास को कभी टूटने नहीं दिया, मेरी मांग पूरी कर दी। आज मैं तेरे लिए छोटी सी भेंट लाई हूँ, इसे स्वीकार करना भगवान। प्रिया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। स्वस्ति स्तुया विनाशाख्या पुण्य कल्याण वृद्धिदा विनायक प्रिया नित्यं तांच स्वस्ति ब्रुवन्तु नः। बादल, बादल! मेरी जान, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चल। यही दिन देखने के लिए तो मेरी आंखें तरस रही थी। चल चल चल, मेरे साथ चल। रुक्मिणी, रुक्मिणी, देख देख देख, तेरे बेटे को मैं काम पे ले जा रहा हूं। अरे बेटे, माँ का आशीर्वाद तो लेता जा। देख क्या रही हो, प्रसाद लाई हो, खिलाओ उसे। आंखों की प्यास नहीं बुझती, जितना देखती हूँ और बढ़ती है। मुझे तो विश्वास नहीं होता मेरा बेटा मेरे पास आ गया है। इसमें विश्वास की क्या बात है, अब ये यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा,
और हम इसे देखा ही करेंगे। कम 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 कम, लेट्स गो। रुस्तम, तुम से ज्यादा समझदार निकला, मुझसे पहले ही मेरे बेटे को पहचान लिया। आओ तुम्हें तुम्हारा ऑफिस दिखाऊं, लेट्स गो। ये लो बेटा, रिबन काटो, रिबन काटो बेटा। बेटा, कम इन सन, कम इन, कम इन। ये देखो, ये तुम्हारा दफ्तर है और ये तुम्हारी कुर्सी, दिस इज योर चेयर। आओ बेटा बैठो, सिट ऑन माय सन, बैठो 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 बैठो। बॉयज, दिस इज माय सन। महाराज सिंह का बेटा वापस आ गया, ये नया बेटा कहां से आया? बादल, तू यहां क्या कर रहा है यार? अपना हिस्सा लेने आया हूं, अब जरा इधर भी तो बरसों, बहुत सूखा है। तू उल्लू का पट्टा है। अरे हनुमंता जी, कैसे इतनी जल्दी आंखें फेर ली? गधे का गधा ही रहेगा, बात समझने की कोशिश कर। क्या समझूं? देखो अब अखबार में भी छप गया, लखपति बाप को अपना बेटा मिल गया, भिखारी से राजा बना दिया है मैंने तुम्हें। अभी अभी तो यहाँ आया, अभी तो माल भी नहीं मिला, थोड़ा वक्त लगेगा, ये ले। इतना वक्त मत लगाओ कि पोल खुल जाए, जल्दी जल्दी काम करो, माल समेट और यहाँ से निकल चलो। ठीक है, ऐसे ही करता हूँ, तू जा। ठीक है। बेबी, घोड़ा ले आया। घोड़ा? हाँ, तुमने कहा था घोड़ा ले आओ। मैंने कहा था? नहीं तो ले जाओ। बेटे एक बात पूछूं, कुछ दिनों से तुम्हें क्या हो गया, कोई खुशी रहती? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ओम सांब शिवाय नमः। ओम ओम जय हो, जय हो, जय हो। बेटा जानते हो बाप की जिंदगी में सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है? जब बेटा बाप की जगह लेता है। मैं कई बरसों से घोड़े पालता हूँ, बैंगलोर ले जाता हूँ, बेचता हूँ, लेकिन अब मैं नहीं जाऊंगा, तुम बैंगलोर जाओगे, तुम घोड़े बेचोगे, ये सारा काम तुम्हें सुपुर्द करता हूँ। रेसेस पर भी जाना, देखना हमारे घोड़े कैसे भागते हैं वहां पे। हैं? अरे यार, हमको भी तो कभी टिप दिया करो। ली टिप कैसे देता, मुझे तो खुद नहीं मालूम था। अरे वड़ी, तुम्हें सब कुछ मालूम है, बहुत ऐश किया,
अरे वड़ी 20 बरस कहाँ थे? राज की बात है। अरे तुम भी राज रखते हो और तुम्हारा बाप भी राज रखता है। अरे वड़ी सच सच बताओ, घोड़े बेचने आए हो नी? हाँ। कब दिखाओगे? कल सुबह। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे वड़ी साईं, ये हार ढेल का बच्चा मुझे दे दो नी। बोलो कितना चाहिए? 5 लाख। अरे पागल हो गया है क्या? तुम्हारे बाप ने कभी 5 लाख में घोड़ा बेचा है? लाख दो लाख की बात करो तो अभी सौदा कर दूं। लाख दो लाख में तुम्हें इसकी पूंछ भी ना बेचूं। अरे हाउ इज दैट पॉसिबल? आज तक हिंदुस्तान में किसी ने 5 लाख में घोड़ा बेचा है? मैं बेचूंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, हियर वी कम टू लॉट नंबर 20। दिस ब्यूटीफुल ब्रेड बोर्ड विल इट स्पीक फॉर इटसेल्फ। यही है महाराज सिंह के स्टड का घोड़ा। देखिए, हु विल गिव मी एन ओपनिंग बिट फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्रेड बोर्ड? 1 लाख 100,000, दैट्स राइट, दैट्स वेरी गुड। एनी मोर जेंटलमैन? 1,50,000 हियर, 1,50,000। एनी मोर लेडीज एंड जेंटलमैन? 2 लाख 2,25,000, 2,75,000, 3 लाख 3 लाख 3 लाख 3 लाख रुपीस। एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम बिट 3 लाख रुपीस फॉर दिस ब्यूटीफुल ब्रेड कोल्ड। 3 लाख 3,25,000, 3.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख 3.5 लाख। एनी मोर जेंटलमैन? 3.5 लाख 3,75,000, 4.5 लाख 4 लाख 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए। 4,25,000, 4.5 लाख 4,75,000, 5 लाख, that is the maximum I can give. 5 lakh, 5 lakh, once, 5 lakh, twice, and final, 5 lakh, sold to Mr. Harish Yudhasani, said Harish Yudhasani. अभी तुमने मुझे ही 5 लाख का फटका लगाया। You are very smart, जैसा बाप ऐसा बेटा। Thank you, sir. Wish you all the best. थैंक यू। रुक्मिणी, देख तेरे बेटे की पहली कमाई 23 लाख रुपया। आज तक किसी ने ऑक्शन में इतने रुपए नहीं कमाए होंगे। शाबाश बेटे। मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा इतना होनहार, इतना भाग्यवान होगा। ऊपर वाले की मेहरबानी है। ऊपर वाले की मेहरबानी तो है, लेकिन बेटा मेरा है। ये ले, ये सब तेरा। अरे ले 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 ले, ये सब तेरा है, जो ही चाहे इससे करना। हाँ, ले 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 ले, बाप की तरफ से बेटे को पहला तोहफा। रुक्मिणी, जब से बेटा लौटा है खाने का मजा फिर से आने लगा है। इसने मुझे नया जीवन दिया है। ये नाता तो मैं थोड़े दिन की मेहमान थी। अपने जैसे बहुत कुर्बान कर दूँ, अब बहुत दिन जी। देखा देखा देखा, मेरा खून बोल रहा है, हा? तू आ गया है बेटे, अब मुझे कौन मार सकता है? भगवान को भी मुश्किल पड़ेगी, क्यों सुनीता बेटी, ठीक है ना? हाँ माँ, हमारे घर में फिर से खुशी आ गई। बेटे, आज इस खुशी को दुगना कर दे, हा? कैसे? रुक्मिणी, तेरा बेटा बाप की तरह घोड़ा चलाता है, बाप की तरह निशाना लगाता है, बाप की तरह अच्छा गाता भी है। जिंदगी
चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी, ना जमी मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी। खूब शाबाश शाबाश, हम भी चलें, तुम भी चलो, वाह वाह, कम ऑन रुक्मिणी, टाइम अप, हम भी चले, गुड नाइट स्मिता, तुम भी चलो। बादल, तुम ये गाना मत गाया करो। क्यों? मैं इस गाने को भुलाना चाहती हूँ। मैं भुला नहीं चाहता। क्या है इसमें? माल है? हाँ माल है। कितना है? 23 लाख। 23 लाख? अरे हनुमंता जी कसम, 23 लाख तो बहुत होता है। अरे तुम्हारे हमारी पीढ़ियां खाएंगी। चलो उधर चलो, आधा आधा बांट लेंगे। चलो चलो चलो। बाप का माल समझा जो आधा आधा बांट लेंगे? जियत बदल गई, अकेला खाना चाहता है। ऐसा ही समझो। हजम नहीं कर सकोगे। मेरा नाम राम सिंह है, मुश्किल में डाल दूंगा तुझे। मुश्किल में तो डाल दिया है हरामजादे। ठीक है, निपट लूंगा तुझे भी। हेलो मिस्टर बादल, प्लीज सिट डाउन।
मुबारक हो। सुना है आपने 23 लाख के घोड़े बेचे? जी हाँ, वही रुपया जमा करने आया। हाँ, महाराज सिंह जी का फोन आया था कि ये रुपये आपके खाते में जमा कर दिए जाएं। इस पे आप दस्तखत कर लीजिए, बाकी मैं भर लूंगा। ये रुपये आप महाराज सिंह जी के अकाउंट में जमा कर दीजिए। लेकिन उन्होंने तो कहा था कि ये रुपये आपके अकाउंट में जमा कर दिए जाएं। उन्होंने गलत कहा था, ये रुपये उन्हीं के हैं, उन्हीं के अकाउंट में जमा होने चाहिए। आई यू विश। क्यों, क्या बात? जो तुम कर रहे हो ठीक नहीं है। क्या कर रहा हूं? असलियत को मानने से इनकार। बचपन में अगर मैं और तुम अलग हो गए थे और आज 20 साल बाद फिर मिले तो कैसे रिश्ता टूट जाता है? मैंने कब कहा मैं रिश्ता तोड़ना चाहता हूं? जो रिश्ता तुम रखना चाहते हो उसे ना दुनिया मानेगी ना मैं, इसलिए आज अपने और तुम्हारे दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी करने आई हूं जिसे ना तुम तोड़ सकोगे ना मैं तोड़ सकोगे। हाथ आगे करो। आज राखी का त्योहार है, बहन भाई के हाथ राखी बांधती। नहीं, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं। मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। चाहे खाल उधेड़ दीजिए, चाहे जान लीजिए साहब। मैंने आपका नमक खाया है, हनुमंता जी शपथ, बादल आपका बेटा नहीं है। बादल मेरा बेटा नहीं, तो फिर उसके बदन पे वो निशान कैसा? वो निशान भी झूठा है साहब। एक दिन नशे में आके सारी कहानी उसके सामने पक गया। उस बदमाश ने उसका फायदा उठाया, यहाँ झूठा निशान बनाया और आपका बेटा बनकर यहाँ आ गया। राम सिंह, 20 साल पहले तेरी वजह से मेरा बेटा खो गया था, लेकिन वो असली था। ये नकली है, नकली, जिससे मैं आपको बचाने आया हूँ। अगर मुझ पर यकीन नहीं आता तो जाके थाने में पूछ लीजिए, वो कई बार जेल जा चुका है। हनुमंता जी शपथ, बादल आपका बेटा नहीं है साहब, बादल आपका बेटा नहीं है। हाँ हाँ, ना ही मैं महाराज सिंह का बेटा हूँ, ना ही तुम्हारा भाई। ये निशान झूठा है, बनवाया हुआ है। तो फिर कौन हो तुम? चोर हूं, लुटेरा हूं, लूटने आया था इस घर को। तो फिर लूटते क्यों नहीं, जा क्यों रहे हो? इसलिए कि मेरा जमीर मुझे धुतकार रहा। जमीर? हाँ, जमीर, इंसान का असली भगवान। मैं तो ये सोच समझ के यहां आया था कि अगर एक अमीर के घर से मैं थोड़े पैसे ले जाऊंगा तो उसे क्या फर्क पड़ेगा। इतना फर्क पड़ेगा ये मुझे नहीं मालूम था। नहीं मालूम था यहां आकर एक ऐसी औरत से मिलूंगा जो मां से भी ज्यादा प्यार देगी, एक ऐसे आदमी से मिलूंगा जो बाप से भी ज्यादा मोहब्बत करेगा, भरोसा करेगा, अपनी सारी दौलत सारी जायदाद मेरे सुपुर्द कर देगा। एक ऐसी, एक ऐसी लड़की से मिलूंगा जिसे देखते ही मैं स्मिता, तुमसे मिलने के बाद मैं अपने आप को बहुत नीच और गिरा हुआ समझने लगा हूं। अपनी निगाहों में इतना गिर गया हूं कि तुमसे आंख नहीं मिला सकता। जिस तरह खाली हाथ आया था उसी तरह खाली हाथ जा रहा हूं। मैं तुम सबको लूटना नहीं चाहता। लूटने के लिए छोड़ा ही क्या तूने? एक बूढ़े आदमी से उसकी 20 साल की तपस्या, उसका सब्र छीन लिया। एक बीमार औरत से उसका ख्याली बेटा छीन लिया जो शायद आज भी कहीं जिंदा हो। इस घर की वो बेचैनी छीन ली जिसकी इस घर को आदत हो गई थी। तू कहता तू खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा? खाली हाथ कहां जा रहा है तू? क्या रुपये सब कुछ है तेरी नजरों में? बाकी इन चीजों की कोई कदर नहीं? मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, जो भूल मुझसे हुई उसे माफ कर दीजिए। माफ कर दीजिए?
जिन हाथों से अपनी जायदाद तेरे सुपुर्द की थी मैंने, तुझे सीने से लगाया था, अजी जाता है उन्हीं हाथों से तेरा गला ओढ़ दूं मैं। बता बता मैं सौरभ को क्या जवाब दूं, जो 20 साल से अपने बेटे का इंतजार कर रही है, क्या वो जिंदा रहेगी ये जानकर तू उसका बेटा नहीं? इस बात को क्या जवाब दूं मैं जो अपने बेटे की वापसी का जश्न मना चुका? बस बस और कुछ मत कहिए मुझसे, जो सजा चाहे दे दीजिए, लेकिन भगवान के लिए मुझे और कुछ मत कहिए, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे बर्दाश्त करना होगा, तेरी सजा यह है कि तू यहाँ से जाएगा नहीं, तू हमेशा के लिए यहाँ रहेगा। जो ढोंग तूने आज तक चाहा उसे कायम रखना पड़ेगा, उस बेचारी के लिए जिसको बेटा नहीं, इस महाराज सिंह के लिए जो तेरा बाप नहीं। कहो क्या बात है? मैं कह रही थी कि वो क्या कह रही थी? ये तो पता चल ही गया है कि बादल तुम्हारा भाई नहीं ना मेरा बेटा है, लेकिन इस बात को दोहराने की क्या जरूरत है? आपने उसे सजा दी है, वो यही रहेगा। हाँ वो यही रहेगा, लेकिन तुम परेशान क्यों हो? सजा उसे दी है, तुम्हें नहीं। एक तरह से मुझे भी तो दी है। तुम्हें वो कैसे? हर वक्त एक झूठ बोलना पड़ता है, जो मेरा उसका नाता नहीं वो बताना पड़ता है, ये सजा नहीं तो क्या है? तो हमें क्या करना चाहिए इस झूठ से बचने के लिए? जो सच है वो माँ को बता देना चाहिए। अगर तुम चाहती हो कि वो कल की मरती आज मर जाए, अभी मर जाए, तो जाओ, चाहे उसे बताओ। बेटा मुबारक हो। हाँ बहन, ऊपर वाले की बड़ी कृपा है। अरे ये कौन है? इसे नहीं पहचाना, अपनी रंजना है। रंजना आंटी को नमस्ते करो। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटी। अरे बड़ी होकर कितनी प्यारी हो गई है, विलायत से कब आई? जी 2 दिन हुए। अच्छा जीती रहो, आओ बैठो। हाँ मैंने सोचा इसे आंटी से मिला लाऊं। अरे बहुत अच्छा किया। अच्छा सुन, तेरा बेटा कहाँ है, जरा हमें भी तो दिखाओ। दिखाती हूँ। अरे हरे राम, अरे हरे राम। आया मेम साहब। सुनो छोटे बाबू को बुला। वो तो ऑफिस चले गए। ऑफिस गए? जी हाँ।
तुम्हें रानी मानीपुर याद है? नहीं। जिनका यहाँ फार्म है वही आज आई थी यहाँ, लड़की को भी साथ में लाई थी। अच्छा। वही प्यारी सी बच्ची बचपन में कई बार यहाँ आई थी। अब क्या हुआ उसे? बड़ी होके बहुत खूबसूरत हो गई है, पढ़ाई भी खत्म कर ली है। रानी साहिबा हमारे चिंपू के लिए पूछ रही थी। रानी माँ मेरे बारे में क्या जाने? बेटे जो हमें जानता है वो तुम्हें भी जानता है। मैं कह रही थी स्मिता की शादी के बाद ये घर बिल्कुल सुना हो जाएगा, क्यों ना उसे बहू बना के यहाँ ले आए। उसी से पूछो जिसकी शादी करानी है। उसे तो बाद में पूछ लेंगे, पहले ये बताइए उन्हें कब बुलाएं। माँ शादी की बात मत करो। क्यों, कोई और लड़की देख रखी है तूने? उसकी तरफ क्या देख रहा है, वकालत नहीं करेगी तेरी, खुद बता कोई और लड़की पसंद है तुझे? हाँ। अच्छा बाबा उसी से कर देंगे, मुझे बता कौन है वो? है कोई माँ? मुझसे शर्म लग रही है तो स्मिता से कह देना, तुम दोनों एक ही उम्र के हो ना। अच्छा दोस्त चले, तेरे साथ कुछ दिन बहुत अच्छे कटे, ख्याल रखना, खुश रहे। कैसे खुश रहेगा, तुमसे इतना हिल गया है, चले जाओगे तो याद कर करके पागल हो जाएगा। जानवर है, कुछ ही दिनों में भूल भाल जाएगा। और जो जानवर नहीं उन्हें याद आओगे तो क्या होगा? वो भी धीरे धीरे भूल जाएंगे। नहीं भूलेंगे, मत जाओ बादल, मत जाओ बादल, मत जाओ, मत जाओ बादल। ना जाऊं तो क्या करूं, कल माँ पूछेगी तुम किससे प्यार करते हो तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा, तुमसे प्यार करता हूं। नहीं स्मिता, मेरा यहां से चले जाना ही अच्छा। अब यहां कोई नहीं, कोई नहीं आएगा, अब यहां कोई नहीं, कोई नहीं आएगा। रुस्तम, उन्हें वापस ले आ। रुस्तम, तू यहां कैसे आ गया? हाँ तू मेरे साथ नहीं चल सकता, नहीं तो लोग मुझे चोर कहेंगे। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाऊंगा। चल तुझे वापस छोड़ दूं। आ।
कहा तुम? मानसिंह। कौन मानसिंह? वो मानसिंह जिसके पास महाराज सिंह का असली बेटा है। महाराज सिंह का असली बेटा? क्या वो अभी तक जिंदा है? हाँ बिल्कुल जिंदा है। और इस सारी जायदाद का असली वारिस जिस पर तुम कब्जा किए बैठे हो। क्या सबूत है तुम्हारे पास? वो निशान जो उसके बदन पर असली है और तुम्हारे बदन पर नकली। ये झांसा किसी और को देना। अपनी आंखों से देख लो, यकीन आ जाएगा। चलो दिखाओ। दिखाने से पहले एक सौदा करना चाहता। क्या? तुम जहां हो वहीं पड़े रहो, सिर्फ वहां रहने की कीमत मुझे दे दो। कीमत? क्या कीमत? 2,00,000 रुपए, ताकि तुम्हारा राज राज रहे और मेरी जबान बंद रहे। मंजूर, लेकिन यह मत समझना कि मैं डर गया। अगर मुझे यकीन नहीं हुआ तो मैं पैसे नहीं दूंगा। मंजूर है। बादल अभी तक नहीं आया। स्मिता तुझे कुछ कह के गया? आ जाएगा, घबराने की कोई बात नहीं। बेटे को अभी 4 दिन भी नहीं हुए, इतनी जल्दी मोहब्बत खत्म हो गई तुम्हारी? वो आ गया। मैं कब से तेरा इंतजार कर रही थी बेटे, तू कहाँ चला गया था? बादल आ गया। रुपए चाहिए मुझे। 2,00,000? जी हाँ, 2,00,000। इतने रुपए क्यों चाहिए, किस लिए? बिगड़ते क्यों हो, हमारा बेटा है, होनहार है, 10,00,000 रुपए मांगता है तो दे दो। लेकिन इतनी रात को इतने रुपए किस लिए? जरूरत है इसीलिए तो मांग रहा है। ले बेटे, अलमारी से निकाल के दे दे। समझ में नहीं आता तुम क्या कर रहे हो। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो समझने की कोशिश मत करो। और हाँ, क्या? ये बाबा को दे देना। बाबा को? ले गया? ये दे गया है आपके लिए। क्या है? अजीब बात है। क्या? 23,00,000 की रिसीट है। 4 रुपए मैंने उसे दिए थे, मेरे अकाउंट में जमा करा गया। समझ नहीं आई क्या बात है। मैंने तो सुना था कि महाराज सिंह का बेटा चोरी हो गया था, तुम्हारे पास कैसे आ गया? मैंने उसे चुराया था। तुमने? हाँ, महाराज सिंह के हाथ से मेरे बेटे की मौत हो गई। मैंने कसम खाई थी कि मैं महाराज सिंह से अपने बेटे की मौत का बदला लूंगा। एक रात की बात है, मैं बदले की आग सीने में लिए महाराज सिंह के घर की तरफ चल पड़ा। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, सारा घर गफलत की नींद सो रहा था। आहिस्ता से बच्चे के कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। कमरे में एक नौकर सोया हुआ था, उसने करवट लिया और बता दिया। फिर जब देखा कि नौकर गहरी नींद में सोया हुआ है, मैं बच्चे के पलंग की तरफ चल पड़ा।
धीरे से बच्चे को उठाया और जल्दी जल्दी कमरे से बाहर निकल गया। बच्चे को लेकर पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। सोचा मैं इसे पहाड़ की गहराइयों में फेंक कर अपने बदले की आग बुझा लूंगा। जैसे ही फेंकने के लिए हाथ बढ़ाया, बच्चा मुस्कुरा दिया। उस मासूम को क्या मालूम था कि एक खूनी कातिल उसकी जान लेने की कोशिश कर रहा है। उसे न बदले का इल्म था, न बैर की जिद। बच्चे की प्यार भरी मुस्कुराहट ने मेरा दिल जीत लिया। डाकू का दिल पानी पानी हो गया। मैंने सोचा कि बदला तो महाराज सिंह से लेना है, उसके बेटे से तो नहीं। मैं उसे मार ना सका। भोले भाले बच्चे की हंसी ने बाप के प्यार को जगा दिया। मैंने उसे अपना सोमा समझकर सीने से लिपटा लिया, बेटे के बदले बेटा ले लिया। इन वादियों और पहाड़ियों की गोद में वो बड़ा हो गया। महाराज सिंह का चिंपू, मान सिंह का सूरज बन गया। कुछ भी कहो भाई, सूरज के चक्कू के निशाने का जवाब। गोली के सामने चक्कू क्या चीज है दोस्त, जब तक आदमी चक्कू निकालेगा गोली निशाने पे बैठ जाएगी। किसने कहा तुझे? मैं कहता हूँ। तुझे अभी मालूम नहीं चक्कू चलाना किसे कहते हैं? चाकू चलाने में बड़े कारीगर हो ना, लगती है सरसों के। निकाल 100 रुपया। पंता सिंह। ये हुजूर। रखो दर। एक, दो, तीन। वाह, क्या बात है तुम्हारे निशाने की। बाबा तुम आ गए? कौन है ये? ये है हमारा मेहमान, मेरा बेटा सूरज। देखने में तो बहुत तगड़े हो। ओ भी ऐसा तो सूरज चंबल से उठा लाया। क्यों हो गई तसल्ली? ये रहे हमारे सौदे के 2 लाख रुपए। शुक्रिया, अब हमारी जबान हमेशा के लिए बंद रहेगी। जाओ ऐश करो और सारी जिंदगी महाराज सिंह के बेटे बने रहो। शुक्रिया। घर आए मेहमान की खातिरदारी नहीं करते आप? जरूर करते हैं। आज तुम्हारे आने की खुशी में बहुत बड़ा जश्न होगा। बहादुर सिंह, आज का दिन है तुम्हारे नाम, आज का दिन है तुम्हारे नाम। आज का दिन है तुम्हारे नाम, आज का दिन है तुम्हारे नाम। पत्ते हैं अनारों के, हो हो हो, दो पत्ते हैं अनारों के। बूढ़ों पे जवानी आ गई, आए दिन है, ओ आए
आए दिन है बहारों के, ओ सदानवा की कोयल बोले, ए सदानवा की कोयल बोले, सदान बखते आम, आज का दिन है तुम्हारे नाम, आज का दिन है तुम्हारे नाम। ये बेड़ा इश्क का पार हो गया, कपार हो गया, गले से लगाया यार ने वो सच्चे रब का, वो सच्चे रब का दीदार हो गया। यार नहीं तो प्यार नहीं है, प्यार नहीं तो यार नहीं है, यारी अपना काम है, आज का दिन है तुम्हारे नाम, आज का दिन है तुम्हारे नाम। प्यार है मंदिर, प्यार है मस्जिद, प्यार है काबा काशी, अरे यार बिना सब जग अंधियारा कैसे पूरन माशी, ए इश्क मुश्क ना छुपते यारो ना ही फूल गुलाबी, अरे जिसको चढ़े शराब इश्क की वो है असल शराबी, तो सारा निलिश गोपियां, तो सारा निलिश गोपियां, असा तेरी नब्ज फड़ी तेनू मरदाने, तेनू मरदाने इश्क दिया। यार अब किसी का इस दुनिया में, यार अब किसी का इस दुनिया में इश्क न हो ना काम, आज का दिन है तुम्हारा, दिन है तुम्हारे नाम, आज का दिन है तुम्हारे नाम, चलो मेरे साथ। धोखेबाज साथियों, जल्दी करो, जल्दी करो, चलो जल्दी करो।
तुम्हें यहां लाके मैंने अपने गुनाह भी धो दिए और साथ ही तुम्हारी जिंदगी भी बना दी। जब तुम अपनी आंख खोलोगे अपने आप को इस सारी जायदाद के मालिक पाओगे। ईमान, मैंने तुझ पर भरोसा किया, अपना मेहमान बनाकर रखा और तू धोखे से मेरे बेटे को उठाकर ले आया। वो तुम्हारा बेटा नहीं है। वो मेरा बेटा है, मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया। इसीलिए तो मुंह मांगा रुपया दिया था, तुम्हें तुम्हारी मेहनत की कीमत मिल गई, बेटा जिसका था उसके घर पहुंचा दिया। महाराज सिंह का सूरज पर कोई अधिकार नहीं, मैंने बेटे के बदले में बेटा लिया था। तुम्हारे बेटे की मोहब्बत उसी वक्त खत्म हो गई जब तुमने मुझसे सौदा किया। 2 लाख रुपए दिए मैंने उसके लिए। बकवास बंद करो, अगर तुमने फौरन मेरे बेटे को वापस नहीं किया तो मैं यहां आग लगा दूंगा, तहस नहस कर डालूंगा। साथियों निकल जाओ यहां से, मानसिंह नहीं तो एक एक को भून के रख दूंगा। मैंने तुम्हारे साथ सौदा किया है, 2 लाख रुपए दिए हैं तुझे, खरीदा हुआ माल वापस नहीं करूंगा मानसिंह। शाबाश बेटे, चलो निकल चले यहां से। अभी नहीं बाबा, पहले ये सब घोड़े लेके जाएंगे। तुम लोग इस तरफ चलो, बाकी मेरे पीछे।
तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए महाराज सिंह जी, रुक जाइए। ये क्या कर रहे हैं आप? ये क्या कर रहे हैं आप महाराज सिंह जी? ये आपका बेटा है। मेरा बेटा? क्या बकता? बकता नहीं, ये देखिए बादल, क्यों मजाक उड़ाता है मेरा? कभी खुद मेरा बेटा बन के आता, कभी दूसरों को बनाता है। क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? कुछ नहीं बिगाड़ा महाराज सिंह जी, आपने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। 20 साल पहले आपके घर एक चोर आया था और रात के अंधेरे में आपका बेटा चुरा कर ले गया था। 20 साल बाद एक दूसरा चोर आया था और आपका बेटा बनकर आपके दिल में उतर गया। मुझे माफ नहीं, मैं हूं, ये दुनिया है, मैं चोर हूं। अब मेरे पास क्या रह गया चुराने के लिए? अब मैं चुराने नहीं आया। इस घर से जो प्यार मुझे मिला उसने मेरा जमीर जगा दिया। मेरे दिल ने मुझसे कहा, एहसान फरामोश मत बन, चुपचाप छोड़कर चला जा। जब मैं घर छोड़कर जा रहा था अचानक रास्ते में मुझे मानसिंह मिल गया। मानसिंह से मुझे पता चला कि आपका बेटा जिंदा है और उसके पास है। वो 2 लाख रुपए जो मैंने आपसे लिए थे वो मैंने मानसिंह को दिए और आपका बेटा यहां ले आया। ये सूरज आपका बेटा है महाराज सिंह जी, जिसे मानसिंह अपने बेटे के बदले में उठा के ले गया था। बाबा ये सब क्या है? इनसे कह दो ये सब झूठ है। बाबा बदले के लिए आप किसी का घर बर्बाद नहीं कर सकते, किसी माँ की गोद नहीं उजाड़ सकते। ये बादल जो कह रहा कह दो ये झूठ है। बाबा मेरे बचपन और जवानी के 2 अलग अलग बाप नहीं है। कह दो कि मैं तुम्हारा बेटा हूं। बाबा कह दो। कहते क्यों नहीं कि ये सच है, सूरज महाराज सिंह का बेटा है। हाँ बेटे, एक डाकू बने रहने से एक अच्छा इंसान बनना बेहतर है। अच्छा इंसान बनना बेहतर है बेटे। मैं बाप किसे मानूं बाबा? इले यही तुम्हारे असली बाप है। ये 20 साल तुम्हारे लिए तड़पे हैं। चिंपू बेटे, मेरे बेटे चिंपू। बाबा चिंपू, बाबा मेरा बेटा चिंपू, चिंपू चिंपू। मानसिंह, मुझे तुझसे कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। तूने मुझे एक के बदले 2 बेटे दिए, मेरा चिंपू और मेरा बादल। बादल, तुम कहाँ जा रहे हो? पहले भी कोई मंजिल नहीं थी, आज भी नहीं। कहाँ जा रहा हूँ ये नहीं मालूम, बस जा रहा हूँ। लेकिन क्यों? मेरा काम खत्म हो गया। बाप को उसका बेटा मिल गया, बहन को उसका भाई, इस घर को उसकी खुशियाँ। लेकिन जिसने मोहब्बत की उसका क्या होगा? मुझे क्या मिला? मगर तुम समझती क्यों नहीं? अगर मैं यहाँ रहा तो मेरा जमीर मुझे मलामत करता रहेगा। जमीर माँ की ममता से बड़ा है क्या? माँ मैं आपका बेटा नहीं। माँ भी कहता है और बेटा भी नहीं, हा? मैं तो एक चोर हूँ। चोर बेटा बन के आया था, चोर बन के जाएगा नहीं, प्यार बन के रहेगा हमारे साथ। क्यों स्मिता है? चिंपू तेरी माँ, तेरी बहन, तेरी माँ। हमारा छोटा सा परिवार फिर से जिंदा हो गया। ओ गॉड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। जलाऊंगा मैं खुशी के दिए, जिए मेरे दादा सदा यूं ही तू जिए। तेरे न्याय ने एक लिया था दुगना लौट।
खुशी का दिन आया, बड़े दिनों में खुशी का दिन आया।